कुछ नहीं कर पाचल हमने क्या, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं पाचल। अभी इतनी गर्मी है कि हीट वेव के कारण न जाने किस तरीके से एक चिंगारी लगा और आग हवा की वजह से इतना तेजी से फैला कि लोगों को मौका ही नहीं मिला। लोगों के पास अब तक का जितना ही कमाए थे जो भी था वो सब कुछ जल के राख हो गया है। पूरे गांव में लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कुछ लोगों के घर पे जो जानवर इन्होंने पाला था वो जल के ख़त्म हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे वृद्ध हैं। हमें लगता है कि 250 ऐसे घर हैं जो पूरी तरीके से जल के ख़त्म हो गए हैं। जो ये साल भर का अनाज उगा कर अपने घर में रखे थे वो अनाज तक जल के राख हो चुका है। घर में गेहूं था वो हम लोगों ने अपने हाथों से उठा के देखा, गेहूं पूरी तरीके से जल के एकदम राख हो गया है। हमारी संस्था है, हम अपनी टीम के माध्यम से जाकर उन घरों को चिन्हित करके उनको त्रिपाल दे रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि त्रिपाल से कम वो इतने धूप में रहने के लिए छाया हो जा रहा है। अपना राशन और भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कोई बच्चा भूखा न रहने पाए। और रोज के लाइफ में इस्तेमाल होता है, जैसे बल्टी हो गया, मच्छरदानी हो गया, चप्पल दे रहे हैं। लेकिन हम लोग इतने सक्षम नहीं कि हम लोग सभी लोगों का मदद कर पाएँ। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इनके बच्चों के लिए, इनके लिए राशन की व्यवस्था करें और इनके लिए कपड़ों की व्यवस्था करें, इनके लिए जो घर में इस्तेमाल होने वाली सामग्री है उसकी व्यवस्था करें। आप अगर थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे तो हमारी संस्था इन सभी ज़रूरतमंदों तक आपका सहयोग पहुँचाएगा ताकि ये परिवार धीरे धीरे अपने पैर पर फिर से खड़ा हो पाए।